السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. معزز ومكرم ومحترم سامعين وناظرين, चूँकि आज दिसंबर की 23 तारीख है, दिसंबर की 25 तारीख को जो नसरानी और क्रिश्चियन हैं वो क्रिसमस डे मनाते हैं, इसलिए कबल इसके कि मैं अपने दर्स का आगाज़ करूं, इस क्रिसमस में शिरकत का शरई हुक्म क्या है, या उसका मुबारकबाद देना या उसके किसी प्रोग्राम में शिरकत करना शरीयत के अंदर इसका क्या हुक्म है, वो बता करके मैं इंशाल्लाह असल किताब की दर्स की तरफ आप लोगों के सामने आऊँगा। तो जहाँ तक क्रिसमस मनाने या उसमें शिरकत करने की बात है तो ये हराम और नाजायज़ है, क्योंकि क्रिसमस डे जो मनाया जाता है ये कुफ्रिया और शिरकिया अकीदे की बुनियाद पर। उनका अकीदा ये है कि 25 तारीख को दिसंबर की ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, वो ईसा अलैहिस्सलाम को या तो अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, या तो जो उनके यहाँ तीन रब का तसव्वुर है उसमें से एक रब और एक खुदा मानते हैं, जिसे तसलीस का अकीदा कहा जाता है। इसी बुनियाद पर दिसंबर की 25 तारीख को लोग जश्न मनाते हैं, ईद मनाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, मिठाइयाँ लोगों में तकसीम करते हैं, पानी वगैरह या दूध वगैरह या इस तरीके से कपड़े और बहुत सारी चीज़ों का इनेकाद करते हैं। तो ऐसी सूरत में चूंकि ये कुफ्र और शिर्क पर मुश्तमल है, लिहाजा उसकी मुबारकबाद देना या ऐसे प्रोग्राम में शिरकत करना हराम और नाजायज़ है। ये काफिर अकवाम की मुशाबियत अख्तियार करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन तशब्बह बिकौमिन फवा मिन्हु, जो किसी कौम की मुशाबियत अख्तियार करता है उसका शुमार उसी कौम के साथ होता है। और एक हदीस में आप फरमाया, लैसा मिन्ना मन तशब्बह बिगैरिना, वो हम में से नहीं है जो हम में छोड़ करके दूसरों की मुशाबियत अख्तियार करता है और उनकी तकलीद करता है और उनके त्योहारों में या उनके जो दीनी जो मरासिम हैं उनके अंदर शरीक होता है, वो हम में से नहीं है। तो इसे मालूम हुआ इस हदीस से कि उसके अंदर शिरकत करना हराम और नाजायज़ है। नंबर दो, ये कुफ्र और शिर्क पर मदद करना है, और इस्लाम में हमें नेकी और तकवा पर मदद करने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तआमनु अलबिर व तकवा वला तआमनु अलल इस्म वल उद्वान, नेकी और तकवा पर एक दूसरे का तआवुन करो और गुनाहों पर और ज़ुल्म व ज़्यादती पर गलत कामों पर एक दूसरे का तआवुन ना करो। लिहाजा उसमें शरीक होना या मुबारकबाद देना या उसकी मुनासिबत से प्रोग्राम करना या उसमें शरीक होना, ये सब क्या है, ये उस गलत काम की मदद करना है। और ये सिर्फ गलत काम नहीं बल्कि शिरकिया और कुफ्रिया काम है, लिहाजा हम इसके ज़रिए से गोया कि शिर्क और कुफ्र का तआवुन करते हैं, और शिर्क और कुफ्र का तआवुन करना हराम और नाजायज़ है। इसलिए ये काम भी क्या है, शरीयत के अंदर दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल हराम और नाजायज़ है। उसकी मुनासिबत से कुछ लोग चॉकलेट तकसीम करते हैं या इस तरीके से उस दिन प्रोग्राम किया जाता है या कैंपों के अंदर उस दिन अच्छा खाना दिया जाता है या इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हराम हैं, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है इस तरह की प्रोग्रामों में शिरकत करना, क्योंकि ये बातिल और कुफ्र की मदद है और उसका तआवुन करना और उसका इकरार करना है। अगर कोई मुबारकबाद देता है इसका मतलब ये हुआ कि उसे सही समझता है, ये कुफ्र और शिर्क को सही समझता है और उस पर उसकी बाकायदा मदद करता है और तआवुन करता है, इसलिए हराम और नाजायज़ है। ऐसी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो बहुत बार आप लोग सुन चुके हैं, उसमें भी दलील मौजूद है कि एक सहाबी ने नज़र मानी थी कि बवाना जगह में जा करके ऊँट ज़बा करेंगे, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि क्या कभी ज़माने जाहिलियत में वहाँ किसी बुत की पूजा होती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर पूछा क्या वहाँ ज़माने जाहिलियत में कोई त्यौहार मनाया जाता था, उनकी कोई ईद होती थी, उनकी मजहबी ईद, उनका मजहबी त्यौहार,
जो मुशरिकीन और कुफार का था, तो आपसे कहा गया कि नहीं, तो आपने कहा कि औफी बे नजरत, तुम जाओ अपनी नज़र को पूरी करो। इससे क्या मालूम हुआ कि गैर मुस्लिमों का जो मजहबी ईद है, त्यौहार है, उसमें शरीक होना हराम और नाजायज़ है। इसीलिए आपने सवाल किया जो उनके मजहब और दीन से मुताल्लिक है, आम बातें नहीं हो रही, उनके दीन और मजहब से मुताल्लिक बातें हो रही हैं जी। जैसे ये क्रिसमस है या इस तरीके से रामनवमी है हिंदुओं का होता है, या इस तरीके से और बहुत सारे जो गैर मुस्लिम अकवाम हैं उनके यहाँ त्यौहार होते हैं, उनके अपने जो बड़े होते हैं उनकी विलादत की मुनासिबत से या और किसी मुनासिबत से, तो उसमें उनको मुबारकबाद देना, उसमें जाकर के शिरकत करना या उनके ईद और मजहबी त्यौहारों में शिरकत करना, ये हराम और नाजायज़ है। तो इस हदीस से मालूम पड़ता है, ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरशाद है सूरह अल फुरकान में, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहले ईमान हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनकी बहुत सारी सिफात और खूबियाँ बयान की हैं। उन्हीं में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लज़ीन ला यशहदूना ज़ूर, कि अहले ईमान वो हैं, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो ज़ूर की महफिलों में शरीक नहीं होते, झूठी गवाही नहीं देते। ज़ूर का कई माना है, ज़ूर का एक माना तो झूठ है, झूठी गवाही नहीं देते, और ज़ूर का एक माना बातिल भी है, यानी बातिल की जो महफिलें हैं, मजलिसें हैं, उनके अंदर शिरकत नहीं करते हैं, जैसा कि बहुत सारे सलफ सालहीन ने इसका ये भी माना बयान किया है कि जो बातिल मजलिसें होती हैं, बातिल महफिलें होती हैं, कुफ्र की मजलिसें होती हैं, या जिसमें शिरकी अफ़ाल और आमाल अंजाम दिए जाते हैं, ऐसी मजलिसों के अंदर वो शरीक नहीं होते। तो इस हदीस से भी उलमा ने दलील पकड़ी है कि ऐसी मजलिसों में शरीक होना ये हराम और नाजायज़ है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। जैसे कोई बातिल काम करे आप उसकी मुबारकबाद दें, कोई गलत काम कर रहा आप उसकी मुबारकबाद दें, कोई गुनाह काम करे आप उसकी मुबारकबाद दें, वही है गुनाह काम है, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह का काम है, शिर्क और कुफ्र क्या की मजलिसें होती हैं। लिहाजा उसमें शरीक होना, मुबारकबाद देना या उसकी मुनासिबत से कोई काम करना, प्रोग्राम करना, ये सारी चीज़ें शरीयत के अंदर हराम और नाजायज़ हैं। और ये उनके ताल्लुक से जो ये जन्मदिन मनाया जाता है, वो रखी ने बयान किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के 400 साल के बाद पाँचवीं सदी के अंदर ये काम करना शुरू किया गया। और ये उस वक्त जो मुशरिकीन थे और जो बुतों की पूजा करते थे उनकी नकाली में उस वक्त के लोगों ने शुरू किया, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के 400 साल के बाद ये अंजाम, ये अमल उन लोगों ने शुरू किया। किन लोगों ने? जो क्रिश्चियन हैं, जो नसारा हैं, पहले चीज़ उनकी यहाँ नहीं थी। किन से मुतासिर होकर किया उन्होंने? उस ज़माने के जो मुशरिकीन थे, बेजंतीन कहा जाता उनको, उन लोगों के जो अपने बड़े लोगों की उलादत या तख्त नशीनी की मुनासिबत से जो महफिलें मुनाकिद होती थी, उनसे मुतासिर होकर उन्होंने ये काम करना शुरू किया। पहले उनके यहाँ चीज़ नहीं थी, बाद में चीज़ उनके यहाँ आई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के 400 साल के बाद पहले चीज़ उनके यहाँ नहीं थी। जी हाँ, और ये सो इत्तेफ़ाक़ देखिए कि हमारे नबी के नाम पर जो हमारे यहाँ ईद मिलादुन्नबी मनाई जाती है, वो भी हमारे नबी की दुनिया से जाने के 300 साल के बाद मनाना शुरू किया गया। पहले चीज़ उनके यहाँ नहीं थी, गैर मुस्लिमों से या नसारा से मुतासिर होकर के मुसलमानों ने काम करना शुरू किया। जैसे नसारा जो उस ज़माने में जो बुतप्रस्त थे, बेजंतीन, उनसे मुतासिर होकर के शुरू किया, उसी तरीके से मुसलमानों ने नसारा से और दीगर अकवाम से मुतासिर होकर के दीन की तकमील के 300 साल के बाद ये काम शुरू किया। ये सो इत्तेफ़ाक़ कह लीजिए इसको। तो इस तरीके से ये अमल सरासर हराम और नाजायज़ है, और इस तरह के किसी भी प्रोग्राम में शिरकत करना ये क्या है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। और उलमा ने बाकायदा इसके बारे में इजमा नकल किया है। इमाम अल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की बहुत मशहूर किताब है अहकाम अहली ज़िम्मा, जो ज़िम्मी लोग हैं उनके अहकाम क्या हैं, उस किताब के अंदर ऐसे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इख्तिदाउ सिरातिल मुस्तकीम के अंदर, ये सब बड़ी अहम किताबें हैं अकीदे और ऐसे मुतालिक, उन किताबों के अंदर बाकायदा बहुत सारे उलमा से इजमा नकल किया है, उनका इतफ़ाक़ नकल किया है कि उनकी मजहबी ईदों की मुनासिबत से उनको मुबारकबाद देना या उनके अंदर शिरकत करना ये हराम है, इस पर उलमा का इतफ़ाक़ और इस पर इजमा है। लिहाजा ये कतान हमारे लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है। अगर आप मुबारकबाद देते हैं, शरीक होते हैं,
जिसका मतलब ये है कि आप उनके दीन से राजी हैं, आप उनके दीन को बरहक समझते हैं। जैसे आप किसी बिदात के बारे में मुबारकबाद दे दें मान लीजिए, तो इसका मतलब ये कि आप उससे राजी हैं, आप उससे खुश हैं। उसी तरीके से इसको अगर आप मुबारकबाद देते हैं तो यह कि आप इससे राजी हैं, आप इससे खुश हैं, और ये कुफ्र और शिर्क की बात है। लिहाजा कुफ्र और शिर्क से राजी होना ये क्या बहुत बड़ा जुर्म है, ये हराम काम है ये। इसलिए मेरे भाइयों इसके अंदर शिरकत करना किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। आइए अब किताब की तरफ चलते हैं। शेख इमाम तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वक़द दखल फ़ी हाज़िहिल जुमला मा वसफ़ल्लाहु बिही नफ़सहु फ़ी सूरतिल इख़लास अल्लती तअदिलु थुलुथल क़ुरान हैसु यक़ूल क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफ़ुवन अहद। इसका तर्जुमा यह है कि इस जुमले में वो चीज़ दाखिल है जिसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल इख़लास में अपने औसाफ़ बयान किए हैं। किस जुमले में? इससे पहले जुमला बयान किया मुसन्निफ़ ने, कौन सा जुमला बयान किया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो नामो सिफ़ात हैं उन पर ईमान लाना ज़रूरी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक़ से जो नकायस हैं, जो अयूब हैं, वो उनसे अल्लाह ताला को मुनज़्ज़ह समझना, पाक समझना ये ज़रूरी हमारे लिए। जिन चीज़ों की नफ़ी की गई है कुरान और हदीस में, उन चीज़ों की नफ़ी करना, उन तमाम अयूब और खामियों से अल्लाह रब्बुल आमीन को पाक जानना ये ज़रूरी हमारे लिए। तो उसी की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि इस जुमले के अंदर वो तमाम बातें दाखिल हैं जो अल्लाह रब्बुल आमीन ने अपने बारे में सूरह इख़लास के अंदर बयान किया है। और सूरह इख़लास क्या? अल्लती तअदिलु थुलुथल क़ुरान, जो एक तिहाई कुरान के बराबर है। और वह सूरत कौन सी है? सूरह इख़लास क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। जिसका तर्जुमा यह है या अल्लाह रब्बुल आमीन जो मानी बयान किए हैं उन मानी का तर्जुमा और यह है कि अल्लाह एक आप कह दीजिए और अल्लाह रब्बुल आमीन बेनियाज है, वो कामिल है। लम यलिद, उसने किसी को नहीं जना है। वलम यूलद, और ना ही वो किसी से जना गया है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और ना ही अल्लाह रब्बुल आमीन का कोई हमसर है, ना ही कोई उसके बराबर है। ये सूरह इख़लास है जो एक तिहाई कुरान जिसे कहा गया है। इस सूरत को सूरतुल इख़लास कहने की बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह तुलमा ने यह बयान की है कि इसको इसलिए सूरह इख़लास कहा जाता है क्योंकि इख़लास उस शय के मत माना होता है कि किसी चीज़ का खामियों से और वयूब से पाक होना, उसको इख़लास उस शय कहा जाता है अरबी ज़ुबान के अंदर। चूँकि इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत सारी खामियों से पाक करार दिया गया है, जैसे अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह किसी का बाप नहीं है, और इस तरीके से अल्लाह ताला का कोई हमसर नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर आयब से पाक है, इसलिए इसको सूरतुल इख़लास कहा जाता है। दूसरी वजह बयान की गई है इसको इख़लास कहने की कि खालिस के माने क्या होते हैं? ऐसी चीज़ जो किसी भी मिलावट से पाक हो उसको खालिस कहा जाता है। हम ये कहते हैं खालिस इत्र है, ये खालिस घी है, या ये खालिस जमजम है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर किसी चीज़ की मिलावट नहीं है। तो इस सूरत को सूरह इख़लास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सूरत के अंदर सिर्फ और सिर्फ तौहीद बयान की गई, इसके अंदर कोई हुक्म नहीं है, इसके अंदर सूरतुल तौहीद के अलावा कोई और चीज़ नहीं बयान की गई है, किसी और चीज़ से इस सूरत को की आमेजिश नहीं की गई है, किसी और हुक्म से इस सूरत को नहीं मिलाया गया है, इसलिए भी इसको सूरतुल इख़लास कहा जाता है। खालिस इसमें तौहीद का जिक्र है, इसलिए इसको सूरतुल इख़लास कहा जाता है। तीसरी वजह बयान की गई है कि जो आदमी इस सूरत की तलावत करता है और उसके तकाज़ों के मुताबिक अमल करता है, वो इंसान मुखलिस होता है, वो शिर्क नहीं करता, इसलिए इसको सूरतुल इख़लास कहा गया है। सिर्फ तलावत करना काफ़ी नहीं है, इस सूरत के जो महानी हैं, इस सूरत के जो तकाज़े हैं उनके मुताबिक अमल भी करता है। वरना बहुत सारे लोग इस सूरत की तलावत करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तजवीद के साथ पढ़ते हैं, लेकिन आप देखेंगे वो शिर्क भी करते हैं, कब्रों पर जाते हैं, मज़ारों पर जाते हैं, शिर्क करते हैं, नऊज़ बिल्लाह बिदात और खुराफात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो सिर्फ सूरत की तलावत काफ़ी नहीं होगी जब तक कि इस सूरत के तकाज़े के मुताबिक अमल नहीं होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि अमल इंसान का इस सूरत के मुताबिक होना चाहिए, कुरान के मुताबिक इंसान का अमल होना चाहिए। पूरे कुरान का याद कर लेना
इंसान को जहन्नम से नहीं बचाएगा। कुरान का इंसान हाफिज ना हो लेकिन कुरान का अगर इंसान आमिल है, कुरान पर अमल करने वाला है, कुरान की तालीमात पर अमल करने वाला, उसके तकाज़ों को पूरा करने वाला, चाहे उसे एक सूरत भी याद ना हो भी जन्नत के अंदर जाएगा। लेकिन पूरा कुरान उसे याद हो और कुरान के याद तो है उसे लेकिन कुरान के तकाज़ों के मुताबिक उसके यहाँ अमल नहीं है, तो याद कर लेना उसे जहन्नम से नहीं बचाएगा, अमल इंसान को जहन्नम से बचाएगा। तो इसको इखलास कहने की एक वजह यह भी है कि चूंकि इसके अंदर तौहीद का जिक्र है और उसका इसकी तलावत करने वाला, इसके तकाज़ों पर अमल करने वाला अपने आप को शिर्क से बचाता है, जहन्नम से बचाता है, इसलिए इसको भी इसलिए सूरतुल इखलास कहा गया है। और बहुत सारे इसके जो है असबाब और वजूहात उलमा ने किताबों के अंदर बयान की हैं जो है, और लेकिन ये तीन चीज़ें बहुत अहम हैं जो मैंने आप लोगों के सामने बयान किया है। और ये सूरत क्या है, बड़ी अहम सूरत है, इसीलिए सूरत के बहुत सारे नाम हैं, उन्हीं नामों में से एक नाम तौहीद भी है, इसको सूरतुल तौहीद भी कहा जाता है। सूरतुल असास, असास माने बुनियाद, ये बुनियाद है जन्नत में जाने की, इसलिए इसको सूरतुल असास भी कहा जाता है। इसे सूरतुल मुंजिया भी कहा गया है, मुंजिया यानी निजात देने वाली, किससे, जहन्नम से, अल्लाह के अजाब से निजात देने वाली सूरत है, बशर्ते कि इसके मुताबिक इंसान का अमल हो। किसी चीज़ का ज़्यादा नाम उसके शरफ होने की दलालत करता है। तो इस सूरत के बहुत सारे नाम हैं, उन्हीं नाम से अल-इखलास, अत-तौहीद, अल-मुंजिया, अल-असास और भी बहुत सारे नाम जो है उलमा ने बयान किए। इस सूरत का एक शान नुज़ूल है और वह शान नुज़ूल ही है जैसा कि सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है और इमाम अल-बानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है। फरमाते हैं कि उबै बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि मुशरिकीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, उनसुब लना रब्बक, अपने रब का नसब बयान करो, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में बयान करो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत को नाजिल फरमाया। कौन सूरत? सूरतुल इखलास। उन्होंने कहा कि नसब बयान करो या अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में कुछ हमें बताओ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत को नाजिल फरमाया। ये सुनन तिर्मिज़ी की रवायत है। इस सूरत की बहुत सारी फजीलतें हैं, उन्हीं फजीलतों में से एक फजीलत यह है कि इस सूरत से मोहब्बत इंसान को जन्नत में दाखिल करेगी। जैसा कि सही बुखारी की हदीस है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मस्जिद कुबा में एक अंसारी सहाबी थे जो लोगों को नमाज़ पढ़ाते थे मस्जिद कुबा में। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके कुबा पहुँचते हैं तो सबसे पहले जो आपने काम किया वह मस्जिद की एक तामीर की, उसको मस्जिद कुबा कहा जाता है, जहाँ पर इंसान दो रकात जो नमाज़ पढ़ता है उसको एक उम्रे का सवाब मिलता है। तो वहाँ एक साहब इमाम थे, अंसारी साहबी थे, वो लोगों को नमाज़ पढ़ाते थे, तो हर सूरत में सूरह इखलास भी पढ़ते थे। तो सहाबे कराम ने उनसे कहा कि भाई आप सूरह इखलास क्यों पढ़ते हैं हर सूरत के अंदर? तो उन्होंने कहा मुझे इस सूरत से मोहब्बत है और अगर आप लोगों को कोई और इमाम चाहिए तो किसी और को इमाम रख लो। तो लोग उन्हीं को चाहते थे कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। तो कुछ सहाबे कराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर के बयान किया, तुम्हारे भी उनसे पूछा कि क्या वजह है, इस सूरत को तुम क्यों पढ़ते हो, तिलावत करते हो नमाज के अंदर? तो उन्होंने कहा कि मुझे इस सूरत से मोहब्बत है, इसलिए मैं इस सूरत की तिलावत करता हूँ। तो हमारे नबी ने फरमाया, तुम्हारी उसके साथ मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगी। इसे बुखारी की रवायत है। तो इस सूरत से मोहब्बत अल्लाह से, अल्लाह की तौहीद से, ईमान से मोहब्बत की दलील है, शिर्क से नफ़रत की दलील है। इसलिए इस सूरत की एक बड़ी फजीलत यह है कि सूरत से मोहब्बत इंसान को जन्नत के अंदर दाखिल करेगी। इस तरीके से इस सूरत को एक तिहाई कुरान कहा गया है, जैसा कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर बयान किया। और जो हदीस आती से बुखारी के अंदर हदीस है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक शख्स को किसी ने बार बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हुए सुना और उसने इसे मामूली समझा कि बार बार सूरह इखलास पढ़ता, बार बार सूरह इखलास पढ़ता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए हो और उसका तस्करा किया, तो आपने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो एक तिहाई कुरान के बराबर है। सही बुखारी की हदीस है, एक तिहाई कुरान के बराबर है सूरतुल इखलास। ऐसे सही मुस्लिम की रवायत है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा किया और कहा कि आज मैं तुम पर एक तिहाई कुरान पढ़ूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए
और आपने सूरह इखलास पढ़ी, उसके बाद फिर अपने हुजरे में तशरीफ़ ले, यानी तशरीफ़ ले गए, चले गए अपने हुजरे के अंदर। तो सहाबा की आपस में कुछ चेमी गोइयाँ हुई, आपस में बात करने लगे। तो मां नबी ने फरमाया कि मैंने कहा था कि मैं सुरसे कुरान पढ़ूंगा और ये सुरसे कुरान के बराबर है, यानी एक तिहाई कुरान के बराबर है। तो इसे मालूम हुआ कि सूरत की अहमियत कि एक तिहाई कुरान के बराबर है सूरतुल इखलास। इस सूरतुल इखलास के पढ़ने के कुछ मकामात हैं जहाँ पर इस सूरत को पढ़ना मुस्तहब है। उन्हीं में से सूरह फजर, जो फजर होती है सुन्नत, उसकी दूसरी रकात के अंदर सूरह इखलास का पढ़ना मसनून है। ऐसे ही इंसान जब बिस्तर पर जाता है सोने के लिए तो सूरह मुवज़्ज़तैन, जो सूरह फलक सूरह नास है, वैसे ही सूरह इखलास, इसका पढ़ना भी मसनून है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सूरतों को पढ़ा करते थे, अपने हाथ पर फूंक मारते और फिर अपने पूरे जिस्म के ऊपर मल लिया करते थे। और ये जो मलने का अमल है ये सिर्फ बिस्तर पर जाते वक्त है। हमारे बहुत सारे भाई, हमने अपने अहलेदी साथियों को भी देखा, कुछ लोग जो गहरा इल्म नहीं है या जिनके पास यानी ज़्यादा इल्म नहीं है, कि वो फजर की जब नमाज़ पढ़ते हैं तो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद या बहुत सारी नमाजों के बाद चंद आयतों की और दुआओं को पढ़ते हैं और अपने हाथ पर फूंक मारते हैं, पूरे जिस्म पर मल लेते हैं। ये अमल सिर्फ सोते वक्त मशरू है। फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद यह अमल करना मशरू नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जब आप बिस्तर पर जाएं तो इन सूरतों को पढ़ करके और हाथ पर फूंक मारना और जिस्म पर मल लेना, ये बिस्तर पर जाते वक्त मसनून और मशरू है। ये फजर के वक्त नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद दुआएं पढ़ते हैं, तस्बीह वगैरह पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, सूरह फलक सूरह नास पढ़ करके अपने गिरिबान को खोलेंगे और इस तरीके से अपने सीने पर फूंक मारेंगे। ये भी मसनून नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जब आप बिस्तर पर जाएं उस वक्त मसनून है। बाकी फजर की नमाज के बाद या और नमाजों के बाद अपने गिरिबान में फूंक मारना, फिर पूरे जिस्म के ऊपर हाथ को मलना, हाथ पाँव पर, ये जो है सिर्फ और सिर्फ जैसा कि मैंने कहा कि बिस्तर पर जाते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे और अपने जिस्म पर हाथ फिरा करते थे फूंक मार करके, बाकी और नमाजों में फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेने के बाद और दुआओं को पढ़ लेने के बाद अपने जिस्म पर हाथ फेरना, ये चीज़ जो है ये मसनून नहीं है। तो ये बिस्तर पर जाते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। ऐसे इंसान तवाफ़ करता है, तवाफ़ के बाद दो रकात सुन्नत पढ़ता है तो दूसरी रकात के अंदर ये पढ़ना मसनून है। ऐसी फजर की नमाज सुन्नत होती उसके अंदर मैंने बयान किया, मगरिब की सुन्नत होती उसके अंदर दूसरी रकात के अंदर, ऐसी वितर की जो नमाज होती है वितर की आखिर रकात के अंदर सूरह इखलास का पढ़ना मसनून है। फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, आप कोई और सूरत भी पढ़ेंगे तो अदा हो जाएगी वितर, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी रकात के अंदर क्या पढ़ते थे, सूरह इखलास को पढ़ा करते थे। तो ये कुछ मकामात हैं जिन मकामात पर इस सूरत का पढ़ना क्या है हमारे लिए मसनून है। इस सूरत को एक तिहाई कुरान क्यों कहा जाता है उसके बारे में उलमा ने दो कौल बयान किया है। एक कौल तो ये है कि चूंकि कुरान के अंदर तीन मबाहिस हैं या तीन चीज़ें कसरत से बयान की गई, एक तो यह है उसमें तौहीद का जिक्र है, कुरान के अंदर तौहीद का जिक्र है या तौहीद पर चलने वालों के लिए जो इनाम है अल्लाह ने उनका जिक्र किया है, या इस तरीके से यानी तौहीद से मुतालिक चीज़ें बयान की गई हैं, और दूसरी चीज़ यह है कि कुरान करीम के अंदर जो साबिका कौमें गुजर चुकी हैं उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है, और तीसरी चीज़ यह है कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहकाम और मसाइल बयान किए। ये तीन चीज़ें कुरान करीम के अंदर हैं। चूँकि ये पूरी सूरत सिर्फ़ और सिर्फ तौहीद पर मुश्तमल है लिहाजा ये कुरान के मानी का तीसरा हिस्सा है, इसलिए इसको एक तिहाई कुरान कहा गया है। और ये बात इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की और कहा है कि सबसे ज़्यादा बेहतर जो बात इसके ताल्लुक से कही गई है वो यही कही गई है कि वो यानी चूँकि एक तीन तरह के मबाहिस हैं लिहाजा एक मबहस तौहीद का है कुरान करीम के अंदर, लिहाजा और चूँकि ये सूरत पूरी की पूरी तौहीद पर मुश्तमल है इसलिए इसे एक तिहाई कुरान कहा गया है। दूसरा माना इसका यह है कि ये अजर व सवाब के अंदर एक तिहाई कुरान के बराबर है, ना कि काफ़ी होने में अजर व सवाब के अंदर। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कि जो इसको पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको एक तिहाई कुरान के पढ़ने के बराबर अजर देगा।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक तिहाई कुरान का पढ़ लेना आपके लिए काफ़ी हो गया। ये अजर व सवाब के लिहाज से है, काफ़ी होने के लिहाज से नहीं है। ठीक है, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो आदमी 10 मरतबा ला इलाहा वहदहू ला शरीक ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शयइन क़दीर पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 4 गर्दनों के आज़ाद करने का सवाब देता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा या कोई शख्स जिसके ऊपर 4 गर्दन आज़ाद करना ज़रूरी हो और ये 10 मरतबा पढ़ ले गोया किसने 4 गर्दन आज़ाद कर दिया, ये उसका मतलब नहीं है, ये काफ़ी नहीं होगा। ये अजर व सवाब के लिए इसे बयान किया गया है ताकि लोग इस अमल को करें और उनको उभारा गया, रगबत दिलाई गई है। काफ़ी होने के लिहाज से नहीं है ये कि ऐसा करना उनके लिए काफ़ी हो गया, लिहाजा किसी को 4 गुलाम आज़ाद करना है और ये 10 मरतबा पढ़ ले गोया कि उसने 4 गुलाम आज़ाद कर दिया, ये मतलब उसका नहीं होता है। ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो रमज़ान के महीने उमरा करता है उसको एक हज के बराबर सवाब मिलता है। तो कोई रमज़ान उमरा कर ले और उस आदमी पर हज भी फ़र्ज हो और वो कहे कि मुझे हज के बराबर सवाब मिल गया, अब मुझे हज करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या काफ़ी हो जाएगा? नहीं, उसको हज करना पड़ेगा, ये काफ़ी नहीं होगा उसके लिए। या अल्लाह के रसूल की हदीस है जो मैंने आपके सामने बयान किया कि जो जा करके मस्जिद कुबा की ज़ियारत करता है, 2 रकात नमाज पढ़ता है, उसको उम्र के बराबर सवाब मिलता है। अब आदमी गया और 2 रकात पढ़ लिया, बोला मुझको उम्र करने का सवाब मिल गया, अब मुझे उम्र करना ही नहीं है, तो उसका ये कौल बातिल होगा। ये काफ़ी होने वाले आमाल नहीं है, ये अजर के लिहाज से, सवाब के लिहाज से हैं, रगबत दिलाने के लिहाज से हैं, वरना वह अमल इंसान को करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो आदमी फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है और मस्जिद में बैठ करके वहीं पर अल्लाह का जिक्र करता है मस्जिद के अंदर, और सूरज निकलने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ता है, हमारे नबी ने क्या फरमाया? उस आदमी को मुकम्मल उम्रे और मुकम्मल हज का सवाब मिलता है। अब कोई एक आदमी करे ऐसा और वो करने के बाद कहे कि भाई मुझे मुकम्मल उम्रे का सवाब मिल गया, मुझे मुकम्मल हज का सवाब मिल गया, लिहाजा मुझे हज और उम्रा करने की क्या ज़रूरत है, उसका कौल ये बातिल होगा। ये अजर व सवाब के लिहाज से है, रगबत दिलाने के लिहाज से है, शौक़ बढ़ाने के लिहाज से है, और इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो उस अमल से काफ़ी हो जाएगा, वो अमल आपको करना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर हज फर्ज हो गया है तो आपको हज करना ज़रूरी होगा, अगर आपके पास इताअत है तो आपको हज करना ज़रूरी होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, इस अमल की तरफ रगबत दिलाने के लिए है, ना ये कि वो अमल आपसे यानी सबूक दोष हो गए और वह अमल आपके लिए करना ज़रूरी नहीं होगा। इसके अपोजिट एक बात और है, वो भी जिक्र कर दे, मेरे जहन में आ गई, वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी किसी जादूगर के पास जाता है और उससे कोई बात पूछता है, ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन 40 दिनों तक उसकी नमाज कबूल नहीं करता है। अब कोई आदमी जादूगर के पास गया और कहा कि भाई 40 दिन तक मेरी नमाज कबूल ही नहीं होगी, तो हम 40 दिन तक क्यों नमाज पढ़ें, क्या फ़ायदा है? हम कहेंगे नहीं, तुम्हारा ये कहना गलत है। ये क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि नमाज तुम्हारे लिए पढ़ना साकित कर दिया गया है, ये उसका मतलब नहीं है। उसका मतलब ये है कि नमाज का अजर तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन नमाज तुमसे पढ़ना ये ज़रूरी है, ये तुम्हारे लिए रुकावट नहीं है कि तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, नमाज पढ़ना तुम्हारे लिए वाजिब और ज़रूरी है। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो और गुनहगार होगे और तुम्हारे ऊपर गुनाह होगा। तो ये उसके बराबर से उसके अपोजिट में है कि कोई ये ना समझे कि हमें गुनाह मिल गया लिहाजा अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, अब 40 दिन तक हम नमाज ही नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कहना भी बातिल है, क्योंकि ये उसका गुनाह है जो आदमी उनके पास जाता है, और गुनाह का मिलना किसी फ़र्ज़ नमाज से रुकावट का ज़रिया और सबब नहीं होता है। क्या आप उसको समझें कि भाई हम जो है 40 दिन तक हमारी नमाज ही कबूल नहीं होगी तो हम क्यों नमाज ना पढ़ें? अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो इंसान गुनाह पर और गुनाह के मुर्तकिब होगा, या और बड़ा जुर्म होगा, लिहाजा उस आदमी को नमाज पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही अगर किसी काम की रगबत दिलाई गई है तो उस काम की रगबत दिलाने का मतलब ये नहीं है कि वह अमल आपसे साकित हो गया या वह अमल आपके लिए काफ़ी हो गया, अब वो अमल आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये उसका मतलब नहीं होता है। बल्कि इसका मतलब ये होता है कि इस अमल ये अहम अमल है और इसकी तरफ इंसान को रगबत करना चाहिए, आना चाहिए, इसलिए शरीयत के अंदर उनकी तरफ जो है रगबत दिलाई गई है।
अल्लाह ताला फरमाता कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, अकेला है, तन्हा है, अल्लाह मौजूद है। इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दहरिया हैं उन पर रद्द किया, जो मुल्हदीन हैं जो ये कहते हैं कि दुनिया का कोई खालिक नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस एक जुमले में उन तमाम लोगों पर रद्द कर दिया कि अल्लाह ताला मौजूद है, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। दुनिया में कोई चीज़ खुद ब खुद वजूद में नहीं आती है, कोई ना कोई उनका बनाने वाला होता है। लिहाजा इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद वजूद में नहीं आ गई है, उसका बनाने वाला है, उसका खालिक है, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह समद, असमद का कई माना बयान किया गया है। एक समद का माना यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम सिफात में कामिल है, जो भी अल्लाह ताला की सिफात हैं उन तमाम सिफात में अल्लाह रब्बुल आलमीन कामिल है। दूसरा माना यह बयान किया गया है कि जो सबसे बेनियाज हो, इसीलिए आम तौर पर इसका तर्जमा क्या करते हैं लोग, अल्लाह सबसे बेनियाज है, ये भी उसका माना है कि सब अल्लाह ताला के मोहताज हैं, अल्लाह सबसे बेनियाज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को न हमारी ज़रूरत है, न हमारी बातों की ज़रूरत है, ना किसी मखलूक की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बेनियाज है, सब अल्लाह के फ़कीर और मोहताज हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बेनियाज है। एक माना ये बयान किया गया है, और तीसरा माना ये बयान किया गया है कि अल्लाह ताला हर नफ्स से पाक है। चूँकि इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुछ सिफात से पाक करार दिया गया है, इसलिए मैंने कहा कि इसको सूरतुल इखलास कहा गया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर नफ्स से पाक है, ये भी इसका एक माना है। अल्लाह समद, अल्लाह ताला कामिल है अपनी तमाम सिफात में। नंबर दो, अल्लाह ताला सबसे बेनियाज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, सब अल्लाह के मोहताज हैं। नंबर तीन, ये माना बयान किया गया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर नफ्स से, हर कमी से पाक है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए तमाम सिफात कमाल। लम यलिद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को जना नहीं है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी का बाप नहीं है, नऊज़ बिल्लाह। वलम यूलद, और ना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी से जना गया, यानी अल्लाह की ना औलाद है, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई बाप है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना है, और ना ही नऊज़ बिल्लाह किसी से जना गया। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकीन पर, यहूद व नसारा पर रद्द किया। मुशरिकीन कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां, नऊज़ बिल्लाह। यहूदी कहते थे कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। नसारा कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ये सब बातिल अक़वाल हैं, कुफ़रिया और शिरकिया अक़वाल। उन तमाम लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर रद्द किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना किसी को जना, ना वो किसी से जना गया, वो हमेशा से और हमेशा रहेगा। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अगर अल्लाह की कोई औलाद है, नऊज़ बिल्लाह, इसका मतलब कि अल्लाह औलाद का मोहताज है, अल्लाह बीबी का मोहताज है। अगर वो जना गया, नऊज़ बिल्लाह, इसका मतलब पहले नहीं था, अब आया है, नऊज़ बिल्लाह, और वो उसका कोई बाप है। तो ये सब नक्स है, ऐब है, खामियां हैं, ये बंदों के अंदर होती हैं, इंसानों के अंदर चीज़ें होती हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम नकायश से पाक है, मुनज़्ज़ा और मुबर्रा है और पाक है। वलम यकुन लहू कुफ़ुवन अहद, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई हमसर नहीं है, न असमा के अंदर, न सिफात के अंदर, ना उसके आमाल में। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई शरीक नहीं है, कोई उसके बराबर नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है। तो इस आयत का तर्जुमा थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर सूरत का मैंने किया, और इसीलिए इस सूरत को जो है एक तिहाई कुरान कहा गया है। और इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए उस सिफात को साबित किया गया, जैसे असमद, अल्लाह रब्बुल आलमीन का के नामों में से असमद है, और ऐसे ही अहद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों में से, इसलिए अब्दुल समद और अब्दुल अहद नाम रखा जाता है। और कुछ जो खामियां हैं, नकायस हैं, उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को पाक करार दिया गया है। इसलिए सूरह इखलास कुरान का एक तिहाई है, और जिसके अंदर जो असमा और सिफात के मसाइल हैं उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन गोया कि इस सूरत के अंदर इख्तसार के साथ बयान कर दिया। अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अकीदे तौहीद पर कायम रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इखलास अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें शिर्क से और हर बुरे काम से महफूज रखे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद वाला आलिही वसहबिही। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।